इसका मतलब अप्रूवल है। ट्रीटमेंट होगा कि नहीं, कोलकाता जाने से पहले भी आप लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हो। आप लोगों को इतना दिन दिखाया मैं बैंगलोर में जितना भी हॉस्पिटल था उसके बारे में, तो आज मैं आप लोगों को पूरा वेस्ट बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल में कौन से हॉस्पिटल में आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हो ये आप लोगों को दिखाऊंगा इस वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल का एक हॉस्पिटल के बारे में दिखाऊँगा, तो वो है हेल्थ वर्ड हॉस्पिटल। हेल्थ ऑड हॉस्पिटल बेसिकली दुर्गापुर में है, तो दुर्गापुर में हेल्थ ऑड हॉस्पिटल में बहुत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें NABH का मतलब अप्रूवल है। NABH के अप्रूवल वाले हॉस्पिटल बहुत अच्छे हॉस्पिटल होते हैं क्योंकि ये सेंट्रल बोर्ड से मतलब परमिशन वाला एक हॉस्पिटल होता है। तो हेल्थ ऑड हॉस्पिटल एक्चुअली बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके साथ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलेगा। इधर आप लोगों को मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा वेस्ट बंगाल में एक्चुअली तो वेस्ट बंगाल में जो स्वास्थ्य साथी कार्ड होता है उससे भी बहुत डिस्काउंट मिलता है। मतलब हर साइड से आप लोगों को हेल्थ और हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएगा। हेल्थ और हॉस्पिटल में देख सकते हो साइड का नज़ारा, मतलब कितना बड़ा हॉस्पिटल है, और देख सकते हो सामने इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड में तो एनी टाइम 24 आवर्स पेशेंट मतलब आता रहता है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हेल्थ और हॉस्पिटल के अंदर मतलब मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसके लिए मैं अंदर वीडियो नहीं कर पाया, तो मैं बाहर से इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर गया था, खुद उनके साथ बात किया और जितना भी उसका फैसिलिटी है उस फैसिलिटी को मैंने देखा कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हेल्थ और हॉस्पिटल सच में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। तो इसके बारे में एक वीडियो होना चाहिए, तो आप लोगों को शायद मतलब कोई कोई जाता है कोलकाता के साइड में, देख कोलकाता के साइड में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा कि नहीं, कोलकाता जाने से पहले भी आप लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हो। दुर्गापुर में भी आप लोगों को पहले से मालूम है दुर्गापुर कैसा इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब इसमें ज़्यादा बिजनेस होता है दुर्गापुर में। दुर्गापुर एक साइड से बहुत फेमस प्लेस है हमारा वेस्ट बंगाल का भी, तो दुर्गापुर में ये हॉस्पिटल रविंद्र। तो इस हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल मतलब आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आप लोग कोई आना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस दे दूंगा, उसका लोकेशन का लिंक दे दूंगा, आप लोग अगर प्रेस करके आ सकते हो। और इस हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उधर ही आप लोगों को बोल दूंगा। और बेसिकली ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है यही बोलना चाहूँगा, और आप लोगों को तो पता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल किस टाइप का होता है। और मेन इन्फॉर्मेशन यही है इस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य साथी कार्ड और दूसरी जो भी मतलब इंश्योरेंस वाले आप लोगों को बॉडी क्लेम वाले जो इंश्योरेंस किया है वो सब अप्रूवल होगा। अगर वो कार्ड मतलब वो इंश्योरेंस अगर अच्छे मतलब अच्छे से आप लोग किया है तो इस कार्ड के थ्रू इधर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, और मतलब जो पैसा वो इंश्योरेंस से मतलब काट कर सकता है तो लोग हॉस्पिटल वालों काट करके आप लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट देगा। तो इसमें सब ICU से लेकर OT से लेकर सब कुछ आप लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है, डायलिसिस, मतलब हर टाइप से ये हॉस्पिटल एकदम बिल्कुल सही है प्राइवेट की तरफ। बट इसका कॉस्ट डिपेंड करता है उसका बेड चार्जेस कितना है, उसका हॉस्पिटल के मतलब डॉक्टर के चार्जेस कितना है, और आप लोग क्या बीमारी दिखा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस हॉस्पिटल के बारे में, अगर आप लोग आना है तो आ सकते हो, मुझे अगर कुछ जानना है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए, और ऐसी वाली ब्लॉग आता रहेगा हॉस्पिटल के ऊपर। अगर आप लोगों को ब्लॉग चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं हॉस्पिटल के ऊपर ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली ऐसी हॉस्पिटल ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं ऐसी कुछ धमाकेदार ब्लॉग में आप लोगों के साथ, अभी के लिए बाय बाय।